छत्तीसगढ़ का सबसे वीवीआईपी जिला दुर्ग, जहां हादसे भी बड़े तेजी से होते हैं, क्योंकि तेज रफ्तार और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जब जब की जाती है, तब तब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरकर चालानी कार्रवाई करती है, तब वाहन चालक भी ट्रैफिक नियमों का पालन करते नजर आते हैं। इन सभी को देखते हुए अब दुर्ग जिले में पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा, जो प्रदेश में पहला होगा। बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर अब दुर्ग में भी हाईटेक सिग्नल आ चुके हैं। यह हाईटेक पोर्टेबल सिग्नल पूरी तरह से हादसों को रोकने में भी काम करेगा, तो वहीं आम जनता को भी ट्रैफिक नियमों को समझने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दुर्ग जिले की ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह हाईटेक होने जा रही है। धीरे धीरे हाईटेक सुविधाओं से लैस होने के बाद अब पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल की बारी है, क्योंकि शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े खम्भों के सिग्नल लगाए जाते हैं। जहाँ सिग्नल नहीं है वहाँ मैनुअली ट्रैफिक संचालित किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जहां सिग्नल लगे हैं वहां रखरखाव नहीं होने की वजह से यह सिग्नल समय से पहले खराब हो जाते हैं। सिग्नल की खराबी के कारण कई बार गंभीर हादसों को भी आमंत्रित करते हैं, तो कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अब इसी का तोड़ निकालते हुए दुर्ग पुलिस को पुलिस मुख्यालय से पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है। यह सोलर और इलेक्ट्रिक दोनों से ही संचालित होगा। यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी स्थान पर लगाया जा सकेगा। जहाँ स्थायी रूप से सिग्नल की जरूरत नहीं है वहाँ यह पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर ट्रैफिक को मेंटेन किया जा सकेगा। दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है जहाँ ट्रैफिक पुलिस को समस्याओं का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल लगाकर यातायात व्यवस्था में होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा, जिससे हादसे भी नहीं होंगे और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। यातायात पुलिस को पुलिस मुख्यालय से एक नग पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल प्राप्त हुआ है, और इस ये सोलर बेस्ड भी है और इलेक्ट्रिक से दोनों से चल सकता है। जहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सोलर प्लेट से इसको चार्ज करके, बैटरी है लगा हुआ है इसमें, इसको चार्ज करके इसका उपयोग किया सकता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों में जहाँ पे स्थायी रूप से सिग्नल लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कोई वीआईपी ड्यूटी हो गया, कोई मेला हो गया, कहीं पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, या फिर रोड निर्माण हो रहा है या जुलूस निकल रहा है, तो ऐसे स्थानों में जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की आवश्यकता है कम समय के लिए हो गया, तो वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग किया जाएगा। और इसके लगने से निश्चित रूप से जो ट्रैफिक के जवान लगते थे और उस जो ट्रैफिक सिग्नल लगेगा तो ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ट्रैफिक को ऑपरेट कर सकेंगे। अभी ये पहला राज्य में पहली बार इसे खरीदी करके जिले को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में काफी फायदेमंद रहेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, और इन फ्लाईओवर के बनने से कई चौक चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में दुर्ग में पहली बार पोर्टेबल ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग करके यातायात व्यवस्था को दूर करने का प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।